खबर लोहाघाट से है, जहां पर ट्रैफिक व्यवस्था दिन पर दिन बदहाल होती जा रही है। लोहाघाट की बदहाल होती यातायात व्यवस्था और जाम की समस्या पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने नाराजगी जताई है और लोहाघाट पुलिस और राजस्व विभाग को नगर की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम के निर्देश के बाद लोहाघाट तहसीलदार विजय गोस्वामी और एसओ मनीष खत्री के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए नगर के गांधी चौक, मीना बाजार चौक, हथरंगिया व अन्य मार्केट में खड़े वाहनों को हटवाया। साथ ही साथ सड़क किनारे आड़े तिरछे खड़े वाहनों के ऑनलाइन चालान काटे गए। इसके अलावा टीम के द्वारा लाउडस्पीकर के माध्यम से पूरे लोहाघाट नगर क्षेत्र में लोगों से वाहनों को प्रशासन द्वारा बताई गई पार्किंग में ही खड़े करने के आदेश जारी किए। लोहाघाट एसओ मनीष खत्री ने बताया कि लोगों को जानकारी दे दी गई है और इसका पालन न करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। एसओ खत्री ने स्टेशन बाजार में मोटरसाइकिलें खड़े करने वाले व्यापारियों से अपनी बाइकें आगे से मीट मंडी हाइड्रिल ऑफिस के सामने खड़ी करने को कहा है। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा प्रशासन के द्वारा नगर में जगह जगह अस्थायी पार्किंग बनाई गई है और उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने वाहन पार्किंग में ही खड़ी करें। इसमें शहर में यातायात को सुचारू करने के लिए पुलिस विभाग, नगर पालिका, स्थानीय प्रशासन के द्वारा जो है पूर्व में भी कई बैठकें संपादित की गई है, जिसमें कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और व्यापार मंडल को भी एक कॉन्फिडेंस में लिया गया था। तो बहुत सारी सिटिंग्स के बाद में भी जब कुछ लोगों के द्वारा सड़क को बाधित करने की कोशिश की गई है, तो उसके क्रम में आज पुलिस प्रशासन और नगर पालिका के द्वारा संयुक्त रूप से जो दोपहिया और चारपहिया वाहन लगे हुए थे उनको हटाने की कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई समय समय पर भी संपादित की जाएंगी और अगली बार से इसमें अर्थदंड और चस्पा चालान की कार्रवाई। ये सुगम यातायात के संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अधिसूचित किया गया है, इसी के क्रम में आज संयुक्त अभियान चलाया गया है जिसमें तहसीलदार लोहाघाट महोदय और थाना लोहाघाट के जो टीम द्वारा जो है संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें हम लोग के द्वारा अभी प्राइमरी चेतावनी शुरू सभी जगह अनाउंसमेंट किया गया है और साथ ही जो गाड़ियां नो पार्किंग में इलाके में खड़ी थी उनको खाली करा दिया गया। इसके साथ ही अभी व्यापार मंडल से भी वार्ता चल रही है और शीघ्र ही एक नया प्लान बना के यहाँ पे लागू किया जाएगा जिससे जो है सुगम यातायात लोहाघाट में सुचारू होगा। सर, हाँ, ये जो स्टेशन बाजार में जो ये बाइकें खड़ी हुई थी इस संबंध में व्यापार मंडल से वार्ता हो गई है, अधिकांश बाइकें इसमें व्यापारियों की हैं, तो हमारा निवेदन व्यापार मंडल से भी है, व्यापारियों से भी है कि अपनी बाइकें जो है जो नियत पार्किंग स्थान बनाएगा वहाँ पे आप लगाएं। इसी के अलावा जो अन्य लोग जो 10-15 या 20 मिनट के लिए आते हैं उनके शॉर्ट टर्म की एक पार्किंग यहाँ पे बनाई जाएगी ताकि जो है यहाँ पे किसी प्रकार का जाम न लगे, व्यापारियों को भी नुकसान न हो। लोहाघाट से लक्ष्मण सिंह बेस्ट की रिपोर्ट।